नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालते ही अमेरिका और चीन के रिश्तों में बढ़ी तल्खी। जहां अमेरिकी प्रवक्ता मार्क टोनर ने चीन को बताया एक महत्वपूर्ण देश, तो वहीं दक्षिण चीन सागर और वन चाइना नीति पर अपने कड़े रुख पर अड़ा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन के नए आदेश को हवाई स्टेट्स अदालत में देंगे चुनौती। वॉशिंगटन राज्य ने भी अदालत में चुनौती देने का किया फैसला। नए आदेश के तहत इराक को छोड़कर 6 मुस्लिम देशों के लोगों के प्रवेश पर लगा है प्रतिबंध। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बनाएगी ब्रह्मांड की सबसे ठंडी प्रयोगशाला। लेजर वन इलेक्ट्रोमैग्नेट से लैस बक्से को अंतरिक्ष में भेजेगी। इससे गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर को समझने की दिशा में सफलता मिलने की है उम्मीद। विकिलीक्स का खुलासा, अमेरिकी एजेंसी CIA आपके स्मार्टफोन और सैमसंग टीवी के जरिए करती है जासूसी, सुनती है लोगों की बातें। अंतरिक्ष में लंबी छलांग की तैयारी में चीन, विमानों से छोड़े जा सकने वाले रॉकेट बनाने में जुटा। यह रॉकेट अंतरिक्ष में उपग्रहों को कर सकेंगे प्रक्षेपित। और तुर्की और जर्मनी के बीच जुबानी जंग तेज। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने कहा जनमत संग्रह अभियान को जर्मन शहर हैम्बर्ग ले जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जर्मनी ने तुर्की को इस कार्यक्रम को रद्द करने का दिया था आदेश। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।